सजनवा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हरियाणा निर्मित लगभग 2,30,000 का अवैध शराब बरामद किया है तथा धंधे में लिप्त दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया अवैध शराब हरियाणा से बिहार के लिए मारुति अर्टिगा से जा रहा था, जिसका नंबर प्लेट में भी छेड़छाड़ किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सुखवीर पुत्र राजा निवासी ग्राम बरसोला थाना सदर जनपद जींद हरियाणा तथा अमनदीप पुत्र दलसेर सिंह निवासी हरसनपुर थाना अलेवा जनपद जींद हरियाणा के रूप में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्करों के पास से ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 22 बोतल, धारिता 750 ml, मैक डबल ब्रांड की 105 बोतल, धारिता 750 ml, ओल्ड मंक ब्रांड की 256 बोतल, धारिता 750 ml, एक कूट रचित नंबर प्लेट BR1BP1111, एक मारुति आर्टिगा कार बरामद किया है। शराब की कीमत लगभग 2,30,000 आंकी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, उसको नहीं हाँ, क्या हुआ धोबी किया से कहीं मुंह पकड़ो कैसे गिरा के उसी पेट में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए जो अभियान है, चेकिंग के अभियान चलते रहते हैं, जिसमें आज 21/1/2019 को सहजनवा पुलिस द्वारा एक कार पकड़ी गई थी जिसमें नकली शराब लिए जा रहे थे। ये कार का जो नंबर है वो बिहार का दिखा रहा था, पर चेकिंग के दौरान पता चल गया कि कार का नंबर जो फेक नंबर उन्होंने नंबर प्लेट लगाई थी। काफ़ी मात्रा में शराब इसमें मिली थी, करीब 300 पेटी शराब अलग अलग ब्रांड के नाम से, मैकडॉल्स है या फिर जो भी बाकी भी ब्रांड्स हैं उनके शराब के नाम से ये ले जा रहे थे। दो लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया। कितनी कीमत होगी उसे कुछ? 300 पेटी की कुल मिला अनुमान करीब रुपए का होगा।